भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है। सृजन घोटाले में किनके परिवार के लोग, कौन लोग थे? गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में कौन लोग थे? गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार थे। बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जो है वो चल रहा है। पक्ष का काम है बोलना, पब्लिसिटी। अरे ये घिसा पिटा लाइन पुराना हो चुका है। हम तो बोलते हुए उनको सुने नहीं है, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि वही उनको ही कुछ नहीं पता रहता। और शायद जो घटना पूर्णिया में हुई होगी इसके बारे में भी उनको जानकारी नहीं होगी। अगर आप लोग पूछेंगे तो यही कहेंगे हमको तो पता नहीं है, हमने तो देखा नहीं। तो मुख्यमंत्री जी को तो सारी चीज़ों का पता है। और हमने कल भी कहा था बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जो है वो चल रहा है। लगातार हत्या, लूट, अपहरण, लोग मर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है। एक आध एविडेंस नहीं, कई एविडेंस हम लोगों ने आप लोगों के सामने भी सार्वजनिक किया, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नीतीश कुमार जी के इस राज्य में नहीं होती है, क्योंकि लगातार वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि आरा में जो माफिया हैं शराब के, मुख्यमंत्री के ड्राइंग रूम में बैठ के उनके साथ तस्वीर खिंचाते हैं, वो भी उनको जानकारी नहीं होगी। और लगातार जो है किस प्रकार से पूरी जनता दल यूनाइटेड की जो टीम है आरा की, वो जाती है तस्वीर खिंचाती है, पूरी तरीके से सार्वजनिक रूप से सब जगह है। इसमें लोगों को क्या कहना है? हमको तो जानकारी है कि 500 से भी ज़्यादा व्यवसायिकों की हत्या हुई है। मुख्यमंत्री जी को जानकारी है, शायद ABCD का ज्ञान नहीं होगा उनको, का ज्ञान नहीं होगा, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना इस बारे में कि लगातार नालंदा छठ पूजा के दिन जो है बलात्कार होता है, इसकी भी जानकारी नहीं होगी उनको। एक पत्रकार मधुबनी से तो झा जी थे, उनका अपहरण होता है, उनको मार दिया जाता है, क्योंकि लगातार जो है स्वास्थ्य माफियाओं के खिलाफ वो हमेशा लिखते रहे हैं, वो भी जानकारी नहीं होगी उनको। गुप्ता ब्रदर्स जो पट्टा में जो हादसा हुआ उसकी भी जानकारी नहीं होगी। जो इनके मंत्री हैं उनके भाई पे कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो मुजफ्फरपुर से आते हैं, क्या कार्रवाई की गई? मंत्री पे भी नहीं कार्रवाई हुई, बल्कि मंत्री ने तो साफ साफ झूठ बोला। सृजन घोटाले में किनके परिवार के लोग, कौन लोग थे? गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में कौन लोग थे? गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार थे। कोई घटना हो रही है, अपराधी घटना हो रही है, उसमें कोई ना कोई मौजूदा सरकार, जनता दल यूनाइटेड या BJP गठबंधन के लोग जो हैं वो मिल रहे हैं। अब पुलिस अपना क्या काम कर रही? कोई कार्रवाई की हो तब तो पुलिस अगर सही से, ईमानदारी से, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करती तो जो मिंटू सिंह हैं उनकी शिकायत पर उनको सुरक्षा मुहैया कराती। आज भी, आज के डेट में भी उस परिवार के लोगों को सुरक्षा नहीं दी गई है। आप लोगों को जानकारी है कि नहीं है? फिर पता नहीं क्या हो जाए। गोपालगंज में कौन लोग थे ट्रिपल मर्डर हत्याकांड में, किनके लोग थे? चंपारण में जो हुआ बगा में, वो कौन लोग थे, किनके लोग थे, कौन था विधायक? तो हर जगह तो इन्हीं के लोग प्राप्त हो रहे हैं, तो कार्रवाई क्या हो रही है भाई? तो आप तो पूरी तरीके से आपके ही कंट्रोल में, आपके मंत्री और विधायक नहीं है, तो बिहार के अपराधी कहाँ से हो? उन्होंने ये भी कहा कि पब्लिसिटी बटोरने के लिए कुछ लोग जो है भाई मीडिया में बने रहने के लिए आरोप लगाते हैं। कौन एडवर्टाइज कर रहे हैं? मेरा काम है जो घटना होगी, सरकार की खामियां होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करेंगे, क्यों ना करें? कोई पहला व्यक्ति है क्या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? सुशील मोदी जी तो हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते थे बनावटी कहानियों पर, तो उस पर तो हमको ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। और ये कोई आरोप मेरा लगाया हुआ आरोप नहीं, ये तो उन्हीं लोगों के परिवार के लोगों का आरोप है, परिजनों का, जिनकी हत्या हुई है। अगर उनके आवाज़ को हम मजबूती ना दें, बल ना दें, तो हम किस काम के हैं? विपक्ष किस काम का है? आप देखिएगा
15 दिन में 65 लोगों की जान चली गई है शराब से, और आप कहते हैं शराबबंदी है, तो सवाल जायज है कि नहीं भाई, जब शराबबंदी है तो शराब से, जहरीली शराब से 65 लोग कैसे मर रहे हैं? शराब आ कहाँ से रहा, और इसकी जिम्मेवारी कोई लेगा कि नहीं लेगा? तो इन लोगों का काम है कि विपक्ष का काम है बोलना पब्लिसिटी? अरे ये घिसा पिटा लाइन पुराना हो चुका है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं, हम पताल चले आते हैं। अरे एक सब कथा कहानी अब खत्म हो चुका है नीतीश जी, आपका चेहरा उजागर हो चुका है। आप हेड ऑफ जो गैंग्स जो चल रहा है अपराधियों का, उसके हेड हैं आप। वो कह रहे हैं एक सवाल, एक सवाल है कि कल जो रिव्यू मीटिंग होने वाली है उसमें आप क्या मांग करते हैं कि कोई फोकट का रिव्यू मीटिंग है? कोई नहीं। कौन सी उच्च स्तरीय बैठक हो रही है भाई? मुख्यमंत्री जी तो हमेशा उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, ऐसे भी जाएगा तो वही अधिकारियों के साथ बैठते हैं, हमेशा उन्हीं अधिकारियों के साथ घिरे रहते हैं, अलग कौन सा है? और एक ही अधिकारी से बार बार रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, कोई नतीजा कहाँ आ रहा है सामने? आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर के कितने रिव्यू मीटिंग किए हैं? हादसा रुका है या कम हुआ है या बढ़ा है? तो क्या नीतीश, जितना रिव्यू मीटिंग हुआ है ये समीक्षा बैठक नहीं भिक्षा बैठक है। इस बैठक में होगा कि भाई आपका डिपार्टमेंट ने कितना कमाई की, आरसीपी टैक्स कितना मिला, कितना आपका डिपार्टमेंट ने लिया, तुम कम लाए हो तुम्हारा हटा देंगे ट्रांसफर कर देंगे, किसी और को मौका दो ज्यादा भिक्षा देगा, ये खेला है। लोग शराब ना पी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।